Hello children, welcome to DPS Education. In this video tutorial, we have to complete fun activity. So, let us see fun activity. Here has written Babu, complete the crossword given on next page with correct words. It means Babu कह रहा है कि अगले पेज पे दिए गए पहली वर्ग को सही शब्दों के साथ पूरा करें. It means Babu, कुछ यहाँ पे पहली वर्ग नीचे में दिया गया है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये मेरा पहली वर्ग है, ठीक है ना. तो इन्हीं को हमें कंप्लीट करना है. बट बिफोर कंप्लीटिंग इट वी हैव टू कंप्लीट अक्रॉस वर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. सो लेट अस सी वन नंबर व्हाट इज सेइंग. हमने ऑलरेडी जो है 1, 2, 3, 4 एज वेल एज 5, 6, 7, 8 हमने कवर कर दिया है. क्योंकि इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने पहले से ही कवर कर दिया है. सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, आप अपने नोटबुक में खूबसूरत सा हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा. ओके, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं. बाबू यहाँ पे कह रहा है कि द डैश डैश था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे स्पेस था, हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है, ठीक है ना. इज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप का बैकग्राउंड पिक्चर्स क्या होता है. तो जाहिर सी बात है बाबू, हमारा वॉलपेपर होता है. क्या होता है बाबू? वॉलपेपर होता है. तो हम अपने यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस जो दिखाई दे रहा है नीचे, वॉलपेपर के नीचे अंडरलाइन है, यही पे हम अपने नोटबुक में लिख लेंगे वॉलपेपर. ओके, सेकेंड वन, क्लिकिंग ऑन डैश 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 बटन डिस्प्लेज स्टार्ट मेनू, यानी कि कौन से बटन पे हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू प्रदर्शित होता है. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बाबू हम फिल कर देंगे क्या, स्टार्ट. ओके, जैसे ही बाबू हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेनू दिखाई देता है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार्ट बटन है. ओके, और यहाँ पे हम जैसे ही हम बाबू यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेनू प्रदर्शित हुआ. इसी को हम कहते हैं स्टार्ट मेनू. ओके, लेट अस थ्री नंबर, व्हाट इज सेइंग, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड द, ओके, यानी के स्क्रीन पे जो छोटा छोटा पिक्चर मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो हम आइकन कहते हैं. तो यहाँ पे बाबू आपको खाली एरिया में या जो स्पेस दिया गया है आप आइकन फिल कीजिएगा. ओके, लेट अस सी फोर नंबर, व्हाट इज सेइंग, विंडोज 7 इज एन डैश सिस्टम, यानी कि विंडोज 7 क्या है. तो विंडोज 7 बाबू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्या है बाबू? विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. तो ब्लैंक एरिया में हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे. हमने तो ऑलरेडी फिल किया है इसलिए कि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप अपने नोटबुक में फिल कीजिएगा. ओके, लेट अस सी डाउन. ओके, फाइव नंबर इज सेइंग, हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड, इट मींस बाबू कह रहा है कि डेस्कटॉप के जो सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, जो नीले रंग की पट्टी होती है, जैसे यहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं, इसे हम क्या कहते हैं, तो टास्क बार कहते हैं. क्या कहते हैं बाबू? टास्क बार कहते हैं. तो आप अपने नोटबुक में फिल कीजिएगा टास्क बार. ओके, सिक्स नंबर, लेट अस सी, माइक्रोसॉफ्ट डैश इज ए पेंटिंग प्रोग्राम, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट जो है एक पेंटिंग प्रोग्राम है. तो कौन सा प्रोग्राम पेंटिंग प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट का, तो पेंट. क्या बाबू? पेंट. माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है एक पेंटिंग प्रोग्राम है. ओके, लेट अस सी सेवन नंबर. ओके, डैश 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 बीन टेम्पोररीली स्टोर्स द डिलीटेड आइटम्स, यानी कि बाबू कह रहा है कि डिलीट किए गए आइटम कुछ समय के लिए कौन से बिन में स्टोर होके रहता है. तो जाहिर सी बात है बाबू, रिसाइकल बिन उसको कहते हैं. क्या कहते हैं बाबू? रिसाइकल बिन कहते हैं. तो रिसाइकल बिन यहाँ पे जो खाली स्पेस था यहाँ पे रिसाइकल बिन लिख देंगे. ओके, लेट अस सी एट नंबर, एट नंबर इज सेइंग डैश 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 बटन रिड्यूसेस द विंडो
टू अ स्मॉल आइकन ऑन द टास्क बार, यानी कि किस बटन पे बाबू हम क्लिक करते हैं तो हमारा ओपन प्रोग्राम टास्क बार पे स्मॉल आइकन बन जाता है, यानी कि वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है बाबू, मिनिमाइज बटन क्या हो जाएगा बाबू, मिनिमाइज बटन। जैसे ही बाबू मिनिमाइज बटन पे हम क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ पे लोकेटेड रहता है, ओके, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो टास्क बार पे हमारा स्मॉल आइकन बंद करके वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। कौन सा, क्या मतलब के ओपन विंडो, ओके। सो ये तो रहा हमारा फन एक्टिविटी का एक्रॉस और डाउन का सेंटेंस। अब इसी से रिलेटेड क्रॉसवर्ड डाउन की ओर दिया गया है, यानी कि नीचे की ओर दिया गया है, उसी को हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं बाबू इस फिगर में आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो फिल कैसे करना है बाबू, हम आपको बता देते हैं कैसे फिल करना है। जैसे कह रहा था कि वन नंबर एक्रोस, यानी कि लेफ्ट से होते हुए राइट की ओर लिखना है, 1-4 तक, ठीक है ना, 5-8 तक डाउन में लिखना है, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक की लिखना है, ओके। तो जैसे वन नंबर को पहले फिल करना था, तो वन नंबर में डब्ल्यू है, ठीक है ना, और बीच में ये ब्लैंक था, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल पेपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू मेरा, वॉल पेपर, वन नंबर का वॉल पेपर हो जाएगा, ओके। सेकंड नंबर था मेरा एस था, ठीक है ना, तो ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ओके, चूंकि लेफ्ट से होते हुए राइट की ओर फिल करेंगे, स्टार्ट, ओके। एंड थर्ड नंबर मेरा बाबू ये आइकन फिल हो जाएगा, ओके, आई के बाद सी ओ एन लिख देंगे, आइकन हो जाएगा, चूंकि लेफ्ट से होते हुए राइट की ओर लिखेंगे। एंड फोर्थ नंबर बाबू मेरा ओ था, इसके बाद वाला फिल करना था, जगह खाली था, ब्लैंक था, उसको उसमें फिल करना है, तो मेरा फोर्थ नंबर बाबू ऑपरेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ऑपरेटिंग, जो कि लेफ्ट से होते हुए राइट की ओर फिल कर देंगे, ओके, ऑपरेटिंग। अब लेट अस सी फाइव नंबर, तो फाइव और सिक्स सेवन एट को डाउन वर्ड में लिखना है, तो फाइव नंबर मेरा हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, टास्क बार हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, टास्क बार फिल कर देंगे, ओके। एंड सिक्स नंबर लेट अस सी, सिक्स नंबर बाबू मेरा डाउन अप से लेकर के डाउन तक लिखना है, यानी कि पी तो ऑलरेडी है, तो पी से लेकर डाउन तक लिखना है, तो सिक्स का मेरा हो जाएगा बाबू पेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, ओके। एंड लेट अस सी सेवन नंबर, सेवन नंबर मेरा बाबू आर तो ऑलरेडी है, अप से होते हुए डाउन की ओर लाना है, तो आर तो ऑलरेडी है, तो ये मेरा हो जाएगा बाबू रिसाइकल, क्या हो जाएगा बाबू रिसाइकल, ओके। एंड लास्ट वन इज बाबू एट नंबर बचा, तो एट नंबर को भी डाउन में लिखना है, तो एम तो ऑलरेडी अवेलेबल है बाबू, तो यहाँ पे एम आई एन आई एम आई मिनी माइज तक लिख देंगे यहाँ। तो इस तरह से बाबू हमारा ये जो क्रॉस वर्ड था कंप्लीट हो गया। आप इस वर्ड को देखिए और अपने नोटबुक में सुंदर सा हैंडराइटिंग में सेम टू सेम फिगर बना करके फिल कीजिए। इस तरह से हमारा जो फन एक्टिविटी था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसमें आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।